देश के दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है, लेकिन बात जहां पर दो चरणों में चुनाव होने हैं उसकी हम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा, बिहार का पड़ोसी राज्य, कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोचिए कि 2000 में झारखंड का बंटवारा हुआ और झारखंड के नए प्रदेश का स्वरूप लेते ही झारखंड की जो पार्टियां हैं या बिहार में जो राजनीतिक दल है उनका दबदबा झारखंड पहुंचते पहुंचते कम क्यों होने लगा। दरअसल 2000 में झारखंड बनने के बाद जो सरकार थी तब से लेकर आज 24 साल हो रहे हैं और 24 साल में झारखंड ने पूरी तरीके से अपने लिए एक नई राजनीतिक जमीन तराश लिया। 2005 में जो पहला चुनाव हुआ उसके बाद से बिहार की राजनीतिक पार्टियों का जो दबदबा झारखंड के अंदर मौजूद होता था वो धीरे धीरे कम होते चला गया। हालात अब ऐसे बने हुए हैं कि झारखंड में झारखंड के लिए काम करने वाली जो पार्टियां हैं उनको छोड़ दे तो बाहरी पार्टियों का दबदबा बेहद कम रह गया। क्षेत्रीय दलों की अगर राजनीतिक जो बड़े दल हैं उनकी चर्चा नहीं करें तो मुख्य तौर पे बीजेपी और कांग्रेस जो पूरे देश की चुनाव लड़ती हैं ये पार्टियां, इन पार्टियों को छोड़ दे तो हर प्रदेश में वहां के लोकल मुद्दे पर वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों की एक अपनी पार्टी होती है। झारखंड में भी है। मसलन यह है कि एक तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो केंद्रीय पार्टियों के मुकाबले अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि उन पार्टियों का जनाधार बढ़े, उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय फलक पर हो, वो अपने यहां के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी जाकर चुनाव लड़ती है। लेकिन नतीजा क्या होता है, वोट शेयर क्या होता है, वो जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब दिखाई पड़ता है कि जिन पार्टियों की उम्मीदें होती है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है टूट के। दरअसल ऐसा कई चुनाव में देखा गया है। अब बात झारखंड की कर लें। एक वक्त जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब बिहार की जो मुख्य या प्रमुख जो पार्टियां थी उनका दबदबा हुआ करता था, लेकिन झारखंड के अंदर जब उनका स्वतंत्र चुनाव होने लगा तो फिर वहां की जो पार्टियां थी या वहां के जो लीडरशिप डेवलप हो रहे थे उन्होंने जिस तरीके से अपने इलाके में काम किया और अपनी पहचान बनाई वहां के लोग उसे अपनाते चले गए और बाहर से ताल्लुक रखने वाली जो छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनका वजूद खत्म होते चला गया। अब 24 साल बाद झारखंड का मिजाज क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड की सियासत इसलिए भी बेहद खास हो जाती है बिहार में क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने और बिहार और झारखंड में अगर सियासत की रूपरेखा देखा जाए या सियासत की पाठशाला देखा जाए तो कमोबेश एक ही विचारधारा की रही है। लेकिन 2000 में जब आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों की बात की जाती है तो बिहार में उन तमाम तबके की बात हो जाती है। यही वजह है कि झारखंड की सियासत से बिहार की सियासत को ज्यादा समझ वाले लोग मानते हैं। बिहार की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कई चुनाव से झारखंड के अंदर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि झारखंड में बिहार केंद्रित राजनीतिक दलों की ताकत लगातार कम हो रही है। झारखंड की पहली सरकार बिहार विधानसभा के 2000 के चुनाव के आधार पर बनी थी। फरवरी में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। नवंबर में नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन हो गया। झारखंड का स्वतंत्र विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ। तब से 2019 तक के विधानसभा चुनाव में राजद, जेडीयू जैसे दलों की उपस्थिति लगातार कमजोर होती रही। झारखंड की पहली सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में गठित हुई थी। उसमें समता पार्टी के 5 और जनता दल के 1 विधायक मंत्री बने थे। 2003 में समता पार्टी की जनता दल में विलय हो गया, जेडीयू बना। झारखंड गठबंधन के बाद 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का रुतबा बना रहता था। उसके 16 उम्मीदवार
मैदान में खड़े हुए थे 2005 के विधानसभा चुनाव में और उसमें से 6 जीते थे, 4% वोट भी मिला। मगर 4 साल बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के विधायकों की संख्या 6 से घटकर 2 रह गई, वोट प्रतिशत भी 4 से घटकर 2.78% हो गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत 0.96 पर आ गया, जबकि 19 उम्मीदवार खड़े हुए थे, किसी की जीत नहीं हुई। जेडीयू ने 2019 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के कारण जेडीयू के कुछ उम्मीदवार जरूर खड़े हो गए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पक्ष में प्रचार तक नहीं किया था। इस बार जेडीयू और भाजपा के बीच गठबंधन हो रहा, उसे 2 सीटें मिलने का भरोसा है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरवी राय और तमाड़ के पूर्व विधायक राजा पात्र के लिए सीटें दी जा सकती है। बिहार का मुख्य विपक्षी दल राजद की चुनावी उपलब्धियां भी जेडीयू की तरह ही कमजोर हुई है। 2005 में राजद के 51 में से 7 उम्मीदवार चुनाव जीत के आए थे, जबकि 8.48% वोट आया था। 2009 में उनके उम्मीदवारों की संख्या 56 हो गई और विधायक 7 से 5 पर आ गए, वोट प्रतिशत भी 5.3% पर आकर ठहर गया। 2014 में वोट प्रतिशत 3.13 हो गया, विधायकों की संख्या जबकि 0 हो गई। 2019 में राजद के 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे पर जीत सिर्फ 1 हुई। उस साल राजद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के घटक रूप में चुनाव लड़ा था, यानी गठबंधन करके। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस दल का मौजूदा सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और राष्ट्रीय जनता दल इसी गठबंधन के सहारे अपने 7 में से 1 विधायक को जिताकर सरकार में मंत्री बना। लेकिन अब राजद का यह मानना है, जो बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी है, कि वो झारखंड में महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही, और सीट मिलने की जो उम्मीदें हैं वो बेहद 2019 के फॉर्मूले पर ही मिल सकते हैं या सीटें कुछ कम हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जेडीयू ने चुनाव में उतरने का तो फैसला किया है, लेकिन बीजेपी उसके लिए मात्र 2 सीटें दे रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को पिछली गठबंधन ने 7 सीटें दी थी। उनका चुनाव के बाद के जो नतीजे सामने आए थे वो निराशाजनक रहे। अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए खुद वो संतोषजनक नहीं है, तो फिर राजद किस तरीके से ज्यादा सीटों पर दावेदारी करेगी? दावेदारी अगर कम पड़ती है तो झारखंड के अंदर बिहार के राजनीतिक पार्टियों का दबदबा भी कम होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव प्रचार तो कर रही थी, लेकिन नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं हुए। अब इन बातों की चर्चा झारखंड के सियासत से लेकर बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन झारखंड के अलग होते ही बिहार के राजनीतिक दलों का दबदबा भी झारखंड में कम हो गया। अब झारखंड के अंदर जो मुख्य रूप से जो पार्टी है उसमें बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू सहित वहां की 1-2 अन्य पार्टियां हैं, जो हाल में कई मुद्दों पर झारखंड के लोगों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी और लोगों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई और अपनी पहचान बनाते हुए वो झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार की राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड कितना असरदार होती है, या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए लगातार कंपेन कर रही है, इनका दबदबा कितना होता है वो तो चुनाव के नतीजों पर दिखेगा। लेकिन उसके पहले गठबंधन का जब स्वरूप सामने आएगा तब भी वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर झारखंड में बिहार की राजनीति या बिहार में दबदबा रखने वाली पार्टियों को झारखंड की पार्टी और उनके नेता कितने तवज्जो देते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।